उसको क्या हुआ, तो उसको कोई गांव वाला नहीं स्वीकार कर रहा था, उसको राख ही नहीं रहा था। उस लम अनाथ आश्रम में उसको देने का पूरा गांव वाला से कहता था, उसी लम मैं तो नहीं रख सकता हूँ, कभी भी कोनो हालत में मेरा घर में तो नहीं रह सकता है बच्चा, भले कि उसको अनाथ आश्रम में दिया जाए। तो उसको देखने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए हम इसे अनाथ आश्रम में दे रहे हैं। आप पुलिस स्टेशन में आके एक साइन कर दीजिए। क्या अनाथ आश्रम में दे देंगे? इस नन्ही सी जान को इतने बड़े गांव में देखने वाला कोई नहीं है क्या? कौन देखेगा, जरा बताइए मुझे। मैं इस बच्चा का परवरिश करूंगा, मैं इस बच्चा को बड़ा करूंगा, इसी लिए उसको घर वाले उसको सपोर्ट में नहीं रहा, उसको घर वाले उसको सपोर्ट में नहीं रहा। उसको घर वाले क्या बोलते थे, तो उसको घर वाले बोलते थे आप अगर भी ये बच्चा के राख रहे हैं तो हम लोग चला जा रहे हैं इस घर से निकल कर। तो उसने क्या बोला, हम यहाँ नहीं रहेंगे। और किसी को यहाँ रहने में दिक्कत हो रही है? मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। तुम सब ये घर छोड़कर जाओगे तो ये घर घर नहीं रहे। मैं चला जाता हूँ घर छोड़ के, आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रहा है, कैसा दिक्कत हो रहा है, मैं छोड़कर चला जाता हूँ। मगर उस घर से निकल गया वो, तो मैं जाऊंगा। ये बच्चा क्या कह रहे हैं? सुनो किता, हाँ हाँ हाँ, सीढ़ी की दुकान की चाबी लो। हाँ है। बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा, उस ऐसे आदमी रहना चाहिए, इसी के लिए देश आगे बढ़ जा सकता है। तो क्या हुआ आगे का कहानी, पहले आप लोग बना रखिएगा, ठीक है? तो वो तो चल दिए, तो घर से निकल कर चल दिए दूसरा गांव में जाकर ले लिया वो आज उधर को वो बस गए। ठीक है, बसने के बाद में क्या हुआ, तो उसको उसी लंग जमे कुछ ऊपर बारिश वरिश जमे कर, तो उड़ते में नाव भी नहीं था उसको, तो उसको नाम क्या धरा गया, तो उसको पप्पू नाम धरते बुलाया करता था। नाम है पप्पू, कप्पू नाव धर के उसको बुलाया करता था। तो उसको कप्पू नाव पर गया और उसको फिल्म भी दिखाया करते थे। तो फिल्म दिखाने के कारण क्या हुआ, तो उसको अपना दादा से पूछते थे दादा इस फिल्म में क्या है, तो मेरा मान नहीं है। तो उसको बोला सीधा, तेरा मान चला गया है भगवान के पास में बेटा, चिंता ना लो, तेरा मान चलाएगा जल्दी सिग्नल पर चलाएगा। तो उसको बोला नहीं दादाजी आप झूठ बोलते हैं, नहीं बेटे एक दिन आपको माँ भोजन मिल जाएगा, बताइए ना मेरा माँ किधर पर है, कहाँ पर जाना पड़ेगा। तो एक देख बड़ा था, तो उसको तो ऐसा ही करके उसको स्कूल भेज देता था। फिर उसको पीछा दौड़ चलाते थे उसको मोटरसाइकिल से पीछा से, फिर भी वो बच्चा दौड़ते दौड़ते में उस घर पर पहुँच जाते थे। उसको मन भी नहीं लगता था पढ़ने में कुछ भी करिए, मगर आपको बच्चा का उस चीज़ को आप पानी नहीं लगाइए, उस चीज़ के बारे में झूठ नहीं बोलने के चाहिए, इसलिए तो आपको बच्चा को उसी माइंड में वही बात चलता रहता है। इसीलिए बताया भी गया है से आपको बच्चा को जैसा बुद्धि देगा वैसा ज्ञान होगा, तो इसी से अच्छा है आपको अपना बच्चा को अच्छा बुद्धि दीजिए, अच्छा उसको सपना उसको कुछ भी काम करने के लिए उसको सिखाइए, जैसा काम करने के लिए सिखाएगा वैसा उसको भी बुद्धि होगा, उसको काम करने का उसमें आइडिया भी आने लगेगा उसको, तो आप ऐसा करना चाहिए। बताइए आते हैं आप टॉपिक पर, तो क्या हुआ, तो उसको तो ऐसा ही होती मतलब पढ़ने के लिए जाता था। तो एक दिन ऐसा फैन भी उसको पास में खाते ना खाता से उसको दादाजी चल बसे के कारण में वो अकेला रह गया। उनका कहा बेटा मैं जा रहा हूँ भगवान के पास में, अचानक समय आ गया है बेटा, न दादा श्री मेरे से गलती हो गया, माफ कर दीजिए। अनाथ आश्रम में रखा गया उसको।